केंद्र सरकार का सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मूवमेंट चल रहा है, सब अच्छा अच्छा गवर्नमेंट ओन्ड जितना भी इंस्टीट्यूशंस है वो सबको जो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, इसका खिलाफ हम लोग आए। क्योंकि द ब्यूटी ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान का शान क्या है बोले तो ऐसा इंस्टीट्यूशंस है, बैंकिंग सेक्टर होने दो, रेलवे होने दो, पोस्टल ऑफिसेस दो, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस नहीं देखना, बैलेंस शीट नहीं बनते। इधर लोगों का जिंदगी बनाना, लोगों का सर्विस देने वाला संस्था है, यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन करना नहीं तो कॉर्पोरेट कल्चर करा रहे बोले तो इसका खिलाफ हम है। क्योंकि यहाँ का लोगों का जिंदगी बनाने वाला ये इंस्टीट्यूशन है, और आम लोगों को ये पोस्ट ऑफिस जो है खाली टेलीफोन वो ये नहीं है, एक लेटर भी, एक ईमेल, एक पैसे पहले टेलीग्राम था, ऐसा हर आदमी को एवरेज और बिलो पावर्टी लोगों को भी इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करना, उनका पहचान वालों का, उनका रिश्तेदार को उन्हें कॉन्टेक्ट करने का एक ये है, सर्विस ओरिएंटेड है, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं होते। इससे पहले जब प्राइवेट कोरियर वालों को लाया उस वक्त से गवर्नमेंट ये सोचना था, आप कोरियर सर्विस का ऊपर प्राइवेट कोरियर का सर्विस का ऊपर मैं खुद डिपेंड नहीं है, क्योंकि कई बार इंपॉर्टेंट लेटर भेजे तो 10 दिन का बाद बेंगलुरु को पहुंचते। लेकिन इंडियन पोस्टल ऑर्डर का स्पीड पोस्ट जो है, आज बेंगलुरु को लेटर भेजे बोले तो कल शाम तक उनका हाथ में रहते लेटर, इतना कमिटेड डेडिकेटेड 25-30 रुपीज़ में ऐसा सर्विस देते। ऐसा इंस्टीट्यूशंस को ख़राब नहीं करना। ये देखो कॉरपोरेशन, मैं आप लोगों को बोलता हूँ, उन्होंने कहीं बोलते आप लोगों को समझाते, कॉर्पोरेट हुआ तो आपको तनख्वाह बढ़ाते, सोशल सिक्योरिटी कुछ नहीं होते, कॉर्पोरेट हुआ बोलो तो एम्प्लॉयज का जिंदगी बर्बाद करने का तरीका है कॉर्पोरेट कल्चर। क्योंकि मेरा पास यूनियन है, KSRTC का और जेस्कॉम का यूनियन है, वहाँ पे लोगों को टारगेट देते, तुमको टारगेट देते, टारगेट कम्प्लीट नहीं हुआ तो तुम्हारा सैलरी में कट होते। हमारा जेस्कॉम में जो मीटर रीडर्स है उनको टारगेट देता था 20 लाख रुपए कलेक्शन लाना, 20 लाख नहीं लिया बोले तो उनका तनख्वाह से कट होके कई लोग खाली पेनल्टी भरे, तनख्वाह देना का छोड़ो, 2,000-3,000 हाथ से पैसे भर के काम करे वहाँ पे मीटर रीडर्स। दिस प्रैक्टिकली आई हैव सीन इट एट जेस्कॉम। ऐसा कॉर्पोरेट कल्चर लाने के बाद आप लोगों को क्या बोलते, एक वीक में आप जितना लेटर डिलीवरी करते ना वो एक ही दिन में करो बोलते, वो टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ बोले तो आपका सैलरी कट होते। दिस शुड नॉट बी ए प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन, ये सर्विस देने का है इंस्टीट्यूशन। जवाहरलाल नेहरू का एक ड्रीम था ऐसा हिंदुस्तान में हर जगह पे, दिस इज अ फेडरल सिस्टम, हमारा स्टेट भी है, यूनियन गवर्नमेंट भी है, दोनों का पास एक ही सर्विस देने वाला कोई इंस्टीट्यूशन रहे तो वो पोस्टल डिपार्टमेंट एक है, उसमें पोस्टल डिपार्टमेंट एक है, रेलवे आई, बैंकिंग आई, दीज आर द ब्यूटी ऑफ दिस फेडरल डेमोक्रेटिक सिस्टम। इसका हम खिलाफ है, और जो भी हमारा जो डिमांड है ये कॉर्पोरेट ये नहीं करना, कॉर्पोराइजेशन नहीं करना, और इसको प्राइवेटाइजेशन भी नहीं करना। क्योंकि प्राइवेटाइजेशन करते आप देखो, आप नेटवर्क कई लोग करे नेटवर्क, जियो करे, वो करे, पहला फ्री दिया, बाद में 500 करे, 600 करे, लूटमार करते वो लोग, मारवाड़ी लोग, वो क्या है, पैसे कमाने के लिए आए, सर्विस देने के लिए नहीं है। आप इनका दोस्त रहे तो, रिश्तेदार रहे तो हेल्प करने का दूसरा तरीका से हेल्प करो। यूनियन गवर्नमेंट को मैं बोल रहा हूँ, ये प्लीज़ डोंट स्पॉइल द पोस्टल डिपार्टमेंट इन इंडिया, इट इज़ अ ब्यूटी ऑफ दिस कंट्री। और ये हमारा एम्प्लॉयज़ का बारे में, ये NPS का खिलाफ मैं हमेशा है, सुप्रीम कोर्ट में कई पिटिशंस में NPS लागू नहीं करना है एम्प्लॉयज़ को, परमानेंट एम्प्लॉयज़ को NPS शुड नॉट बी एप्लीकेबल बोल के कई सुप्रीम कोर्ट अपेक्स कोर्ट का जजमेंट दिया। अब ये मोदी गवर्नमेंट, अब यूनियन गवर्नमेंट क्या बोलते, कहीं इन्हों चेंजेस लाया, क्यों पूछे तो ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है बोल के बोले कई जगह पे, आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल्स, कई चीज़ इंप्लीमेंट करे वो लोगों के खिलाफ रहे तो नहीं जी, अपेक्स कोर्ट बोले, सुप्रीम कोर्ट बोले, बोल के सुप्रीम कोर्ट बोले ये NPS स्कीम को अबॉलिश करो। ओल्ड जो पेंशन स्कीम है, करीबन आप लोगों को 50% लास्ट सैलरी जितना लिया उतना आते वो देना बोल के है ये, क्योंकि मैं पहले ही बोले ये प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशंस नहीं है, ये सर्विस देने का है लोगों का। देखो आप लोग 18-20 साल का उम्र में ज्वाइन होने के बाद 60 इयर्स तक तुम्हारा पर्सनल लाइफ भूल के इंस्टीट्यूशन के लिए काम करते हैं, ऐसा लोगों को 60 इयर्स होने के बाद सोशल सिक्योरिटी रहना ये गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है, फर्ज है, यह हमारा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में है,
वी शुड प्रोटेक्ट द सोशल इंटरेस्ट ऑफ ऑल द वर्किंग क्लास बोल के उसका वायलेशन नहीं होना, और खास करके ये जो NPS है इसका मैं हमेशा खिलाफ है। तो आप मैं एक ही बात बोल रहा हूँ यूनियन गवर्नमेंट को, इफ यू हैव गॉट एनी रेस्पेक्ट फॉर द जुडिशियल सिस्टम इन दिस कंट्री यू शुड इमीडिएटली अबॉलिश दिस NPS के सिस्टम। आपका जितना भी 20 डिमांड्स है सब रीजनेबल है, उन्होंने खुद कमिटी बनाते, आप लोग ऐसा मुश्कर करने के बाद एक कमिटी बनाते बोल के आप लोगों को दे विल ट्राई टू पुश अप, बाद में वो कमिटी का रिपोर्ट आपका तरफ से आया ना इम्प्लीमेंट नहीं करते। ऐसा कई कमिटी रिपोर्ट है अभी पड़े आपका डिमांड में, एक रिपोर्ट है आपका पास भी, वो गवर्नमेंट ही बनाया कमिटी, हम लोग नहीं बनाया, वर्कर्स नहीं बनाए, गवर्नमेंट खुद बनाए, उनका जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स का रिपोर्ट वही इम्प्लीमेंट नहीं करे बोले तो दिस इज एंटी वर्कर्स, आई स्ट्रांगली कंडेम दिस। आप गुलबर्गा में जितना पोस्टल एम्प्लॉयज है ये सब लोगों के साथ प्यार मोहब्बत से काम करने वाला लोग है, खास करके हमारा कर्नाटक हिंदुस्तान में गुलबर्गा का एक नाम है, पोस्टल सर्विस पोस्टल डिपार्टमेंट इन गुलबर्गा इज कमिटेड फॉर देयर सर्विसेज। ऐसा लोगों को रोड पे आके बैठ के स्ट्राइक करने का मौका नहीं देना था, ये दिया, ये अफसोस की बात है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्प्लॉयज रोड पे आके ऐसा पोस्टल डिपार्टमेंट का नहीं बैठना, वाट एवर इट मे बी इट हैज हैपेंड। आज शाम तक गवर्नमेंट को मैं रिक्वेस्ट कर रही, यू काइंडली कंसिडर ऑल द 20 डिमांड्स ऑफ दिस वर्किंग क्लास एंड ट्राई टू प्रोटेक्ट दिस। खाली इलेक्शन पॉलिटिक्स मत देखो, ये एम्प्लॉयज के खिलाफ गवर्नमेंट कब होते बोले तो वो एम्प्लॉयज का वोट कम रहते बोलते, एम्प्लॉयज एक पोस्टमैन मैं बोल रहे एक पोस्टमैन मैनेज करे तो 500 वोट डालने लगाते आप। पोस्टमैन उनका एरिया का हर आदमी का दिल जिताने वाला आदमी रहते उनका, कहीं मैं देखे केड़े गांव में पोस्टमैन ऐसा रहते, यहाँ पे भी हमारा डोर लॉक रहे तो फोन लगाते हमको, साहब कहाँ है आपका एक अर्जेंट लेटर है बोल के। ऐसा सर्विस देने वालों के खिलाफ गया बोले तो अगले 2024 इलेक्शन में ये लोग आपके खिलाफ ठहरे तो आप ऊपर से नीचे आते जमीन पे, उसका मौका मत दो। आप ऐसा मत सोचो पोस्ट ऑफिस का वोट कम है, 2 लाख वोट है, 4 लाख नहीं, ये 4 लाख होगा, 10 लाख होगा, ये 100 करोड़ बनते ये लोगों मोबिलाइज करे तो। दे कैन मोबिलाइज एज मैनी वोट्स एज पॉसिबल। डेमोक्रेसी में खाली वोट पॉलिटिक्स भी नहीं देखना, सोशल सिक्योरिटी उनका फर्ज जिम्मेदारी है। ये इसलिए आई रिक्वेस्ट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड यूनियन गवर्नमेंट टू काइंडली फुलफिल ऑल द रीजनेबल एंड जिनाइन डिमांड्स ऑफ दिस पोस्टल एम्प्लॉयज।